अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदील है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को अपना कंप्यूटर दिखा के इम्प्रेस कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास P4 है या कोई भी पुराना कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर है उसको आप किस तरीके से अपने फ्रेंड्स के आगे उसका Core i7, Core i8 या आप लेटेस्ट से लेटेस्ट कंप्यूटर शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों मेरे पास ये कंप्यूटर है जिसमें लिखा हुआ इंटेल कोर टू डू, ठीक है, CPU और E 8400, ठीक है। आप यहाँ पर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने कंप्यूटर का जो है मॉडल नंबर लिख सकती हैं। कोई भी आपका फ्रेंड आता है तो वो कहता है कि आपका कौन सा कंप्यूटर का मॉडल है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे पास भाई Core i7 है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, या आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो है सुपर कंप्यूटर है। तो अगर उसको यकीन ना आए तो उसको जो है प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप चेक करवा सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आपने जो है आपके पास अगर विंडो 10 है या आपके पास विंडो 7 है तो आप रन के अंदर ये लिखेंगे। अगर आपके पास विंडो 8 है या आपके पास सर्चिंग का ऑप्शन है तो आप जो है रन की जगह सर्च में आप लिखेंगे REGEDIT, ठीक है, रजिस्ट्री एडिट। आप लिखने के बाद ये वाला ऑप्शन जो है आप इसको ओपन कर लेंगे और यस करेंगे और आपके सामने दोस्तों ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपने दोस्तों कहाँ पर आना है, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है H की लोकल मशीन, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने आना है हार्डवेयर में, हार्डवेयर पर क्लिक करना है डबल। उसके बाद दोस्तों आपने क्लिक करना है हार्डवेयर में आने के बाद डिस्क्रिप्शन पर, यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने दोस्तों आना है सेंट्रल प्रोसेसर पर, आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद जो है एक और ऑप्शन इसमें ओपन होगा ज़ीरो का, आपने ज़ीरो पर आना है और आपको दाएं साइड पर जो है ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा दोस्तों प्रोसेसर नेम स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है डबल क्लिक करना है और आपके सामने दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है अपने जो लेटेस्ट कंप्यूटर का जो है मॉडल नंबर आप लिख सकती हैं। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने नेट से जो है लेटेस्ट कंप्यूटर के मॉडल नंबर निकाले हैं। तो दोस्तों आप भी गूगल से अपने लेटेस्ट कंप्यूटर का जो मॉडल नंबर है वो आप जो है निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने उसी ऑप्शन में आना है और यहाँ पर जो है आपने वो मॉडल नंबर जो आप अपने कंप्यूटर का रखना चाहते हैं वो आपने पेस्ट कर देना है या हाथ से लिख लेना है। लिखने के बाद आप ओके करेंगे और उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और आपको मैं चेक करवाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करना है और दोबारा से मैं अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आपको जाकर दिखाता हूँ। ये देखें प्रॉपर्टीज़ में आया और ये देखें दोस्तों कि हमने जो है कंप्यूटर का मॉडल नंबर चेंज कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को जो है इम्प्रेस कर सकती हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।